एक गोदरेज अलमीरे में जब करोड़ों रुपए नोट का बंडल पुलिस ने देखा तो पुलिस के मौके पर मौजूद सारे अधिकारी चौंक पड़े। पुलिस वालों ने सारे रुपयों को गोदरेज से निकालकर एक बोरे में बंद किया और गिरफ्तार चार युवकों के साथ जब्त गाड़ियों को लेकर थाना पहुंचे और एसपी गौरव मंगला को फ़ोन किया तो वे भी चौंक पड़े। किसी गांव के एक साधारण से घर के एक कमरे के गोदरेज अलमीरे में मिलने वाली यह सबसे बड़ी रकम थी। एसपी गौरव मंगला के निर्देश पर रुपया गिनने की मशीन मंगाई गई और पुलिस के सबसे तेज तर्रार डीएसपी को कैश गिनवाने का आदेश दिया गया। पुलिस के चार अधिकारी और डीएसपी चार घंटे तक लगातार जब मशीन चलाते रहे तब जाकर पता चला कि बरामद कैश करीब 1,22,77,000 रुपया है, जिसमें 500 और 2,000 के नोट हैं। मौके से गिरफ्तार चार अपराधियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह साइबर गिरोह है जो लोगों को ठग कर अमीर बन गया है। दरअसल बिहार की नवादा पुलिस ने साइबर क्रिमिनल सरगना मिथिलेश के घर पर छापा मारा तो उसके एक सहयोगी के पास से करीब 1.25 करोड़ रुपया बरामद हुआ। पुलिस भी इतने रुपयों को देखकर चौंक गई थी कि साइबर सरगना का गिरोह कितना खतरनाक है जो भोले भाले लोगों को ठग कर इतना कैश घर में रखा हुआ है। आपको बता दें कि नवादा पुलिस के इस कार्रवाई के पीछे तेलंगाना के हैदराबाद से आई पुलिस है, जिसके अनुरोध पर नवादा के वारसालीगंज पुलिस के सहयोग से शुक्रवार की देर रात अपसर पंचायत की भवानी बीघा गांव में साइबर ठगी के आरोपी मिथिलेश प्रसाद के घर छापेमारी की गई। हालांकि पुलिस छापेमारी की भनक लगते ही शातिर मिथिलेश पुलिस पर गोलीबारी करते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि छापेमारी के दौरान गिरफ्तार मिथिलेश के सहयोगी भुटाली राम के घर के गोदरेज में सहेज कर रखे गए करीब 1.25 करोड़ नकद सहित 5 मोबाइल फोन 3 महंगी गाड़ी बरामद करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। नवादा के एसपी गौरव मंगला ने बताया कि तेलंगाना के शायराबाद थाना में किया कंपनी का लग्जरी गाड़ी का डीलरशिप देने के नाम पर ठगी करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। तेलंगाना पुलिस के अनुसंधान में वारसलीगंज थाना क्षेत्र के भवानी बीघा गांव के ठगों की इस घटना में संलिप्त होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद शायराबाद पुलिस नवादा पुलिस से संपर्क किया और शुक्रवार की रात में आरोपियों के घर छापेमारी की गई। बताया जाता है कि भवानी बीघा गांव स्थित सुरेंद्र प्रसाद का पुत्र मिथिलेश प्रसाद के घर छापेमारी को तेलंगाना और स्थानीय पुलिस के द्वारा घर की घेराबंदी की जा रही थी, तभी अपने घिरते को देख साइबर बदमाश मिथिलेश ने पुलिस पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने खदेड़ कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि साइबर ठग सा भवानी बीघा ग्रामीण स्वरूप राम का पुत्र भूटानी राम के घर तलाशी के क्रम में पुलिस को गोदरेज में रखे 1,22,77,000 रुपया बरामद हुआ, जबकि मुख्य सरगना के घर से फॉर्चुनर तथा टाटा हेरार वाहन और गाड़ी के भीतर से शराब भी बरामद की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस के द्वारा साइबर सरगना मिथिलेश को तो गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन उसके पिता सुरेंद्र प्रसाद ग्रामीण भुटाली राम और शेखपुरा के कसार ओपी के महेश कुमार और शेखपुरा के ही जितेंद्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि वारसलीगंज प्रखंड क्षेत्र के लगभग सभी गांव में साइबर ठग अपनी मजबूत पैठ बना चुके हैं, लेकिन वारसलीगंज के उत्तरी भाग के लगभग 2 दर्जन गांव ठगी के इस धंधे से सर्वाधिक प्रभावित हैं, जिसमें भवानी बीघा पहले भी सुर्खियां बटोरती रही है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना राज्य के ही पुलिस ने 2 साल पहले इसी गांव के देवर भाभी को 30 लाख नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। उसी प्रकार तेलंगाना पुलिस द्वारा ही फरवरी 2022 में 3,50,000 के साथ कोच गांव से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। हैदराबाद पुलिस द्वारा 2022 में ही 4,34,000 के साथ 5 ठग जलालपुर गांव से गिरफ्तार किए गए थे। इसी प्रकार
तेलंगाना पुलिस द्वारा ही जलालपुर गांव से लाखों रुपए के साथ तीन ठगों को गिरफ्तार किया गया था। अभी भवानी बीघा गांव में छापेमारी में बरामद रुपए, वाहन और ठगों के साथ गिरफ्तारी में बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। चार साल पहले महाराष्ट्र की पुलिस ने वारसलीगंज बाईपास मोहल्ले के एक ठग को 56 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। 5 जून 2020 को चकबाय पंचायत की बाघी गांव से 6 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया था। 31 अगस्त 2020 को चकबाय पंचायत की बलवापर गांव से छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया था, तो वहीं 27 दिसंबर 2020 को चकबाय पंचायत के मीरबीघा गांव से 6 साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह 2 जून 2021 को महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ी बड़ावा थाना के हथियारी गांव निवासी नीतीश कुमार को पटेल नगर से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि वारसलीगंज का इलाका साइबर ठगों से भरा पड़ा है, जो ठगी के धंधे में संलिप्त हैं। भारी मात्रा में रुपया मिलने की सूचना पर पहुंचे एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा के नेतृत्व में मशीन से रुपए की गिनती करने में पुलिस को 4 घंटे का समय लगा है। बरामद रुपए में 500 के नोट के अलावा 2000 के भी करेंसी मिले हैं। आरोपियों के घर से एप्पल मोबाइल फोन समेत कुल 5 मोबाइल फोन जब्त किया गया है और नई फॉर्चूनर कार, टाटा कंपनी की हेरार गाड़ी और एक i20 गाड़ी भी जब्त की गई है। इन गाड़ियों की कीमत भी लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। आज वारसलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक छापेमारी की गई पुलिस के द्वारा, जिसमें काफी भारी मात्रा में साइबर क्रिमिनल्स के पास से कैश बरामद हुआ है और कुछ कुछ लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। इस संबंध में साइबराबाद थाना, जो तेलंगाना में स्थित है, वहाँ पर एक कांड दर्ज हुआ था, जिसकी कांड संख्या है साइबराबाद थाना कांड संख्या 488-22, जो आईटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ था। एक गिरोह के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है, वहाँ के लोगों को साइबर क्राइम से पीड़ित किया जा रहा था। ये लोग नकली फ्रेंचाइजी की वेबसाइट बनाकर लोगों का फाइनेंशियल डेटा लेते थे और उसके आधार पे लोगों का पैसा जो है फ्रॉड के तहत वो ले लेते थे। इस कांड का अनुसंधान करते हुए साइबराबाद की एक पुलिस टीम यहाँ भी आई और उन्होंने हमसे गिरफ्तारी में सहयोग मांगा, जिसके आलोक में वारसलीगंज थाना पुलिस के द्वारा आज ग्राम भवानी बीघा में रेड की गई। इस छापेमारी के क्रम में कुछ अपराधियों के द्वारा पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में खदेड़ कर कुल 4 अपराधियों को पकड़ा गया। इनके घरों की तलाशी ली गई। इनके पास से कुल 1,22,77,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। 3 गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिनमें एक फॉर्च्यूनर, एक आदि भी घूमने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगल बगल के घर आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है सर? इसमें हम लोगों ने वारसलीगंज थाना कांड संख्या 440-22 दर्ज किया है, धारा 353, 307, 414 एवं 27 आर्म्स एक्ट और 30A मद्य निषेध एक्ट के अंतर्गत हमने कांड दर्ज किया गया है और जो फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और ये जो साइबर गिरोह है इसका पूर्ण उद्भेदन करने और इसके विभिन्न कड़ियाँ जो हैं इनका पता लगाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इतनी बड़ी राशि जब्त की गई है, जो लोग गिरफ्तार किए गए उनसे कुछ जानकारी मिली कितनी बड़ी राशि का कहां कहां से इसका संग्रह हुआ है, किस किस मामले में? इन लोगों से तो हम पूछताछ कर ही रहे हैं, बाकी जो साइबराबाद पुलिस की टीम आई है उनसे भी हम लोगों ने साइबराबाद पुलिस की जो टीम आई है इनसे हम लोगों ने विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। तो जैसा मैंने बताया कि ये लोग साइबर क्राइम से इस संपत्ति को अर्जित करते हैं। इनके कई मोडस ऑपरेंडी हैं, इनमें से एक ये है कि ये लोग फर्जी वेबसाइट क्रिएट करते हैं और फॉर एग्जांपल कि किसी डीलरशिप का, किया गाड़ी की डीलरशिप का इस केस में इन लोगों ने फर्जी वेबसाइट क्रिएट किया था गाड़ी की डीलरशिप का। तो जो लोग इसके इच्छुक हैं वो उस वेबसाइट पे जाके अपना डेटा, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल डेटा, अनजाने में दे देते हैं। दिखने में वेबसाइट एकदम असली की तरह लगती है जी। तो अनजाने में लोग अपना जरूरी निजी फाइनेंशियल डेटा इन वेबसाइट पे दे देते हैं और उसके बाद इन लोगों का जो पैसा है इनके अकाउंट से डिडक्ट होने लगता है, क्योंकि सारा फाइनेंशियल डेटा अपराधियों के पास आ जाता है। एक संगठित गिरोह है जिसमें लोग जो है
विभिन्न लोग विभिन्न कार्य करते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, तो इसका फर्दर उद्भेदन करने के लिए हम लोग इस दर्ज कांड में प्रयास करेंगे। सर, तो जिसके साथ जो घटना हुई है बहरहाल बिहार का नवादा एक बार फिर साइबर अपराध को लेकर सुर्खियों में है। इस इलाके में पुलिस से अधिक साइबर अपराधी मौजूद हैं, जो देश के विभिन्न इलाकों में लोगों को लालच देकर रोजाना करोड़ों की उगाही कर रहे हैं। पुलिस इन इलाकों में जब तक एक बार छापेमारी नहीं करती, इलाके से साइबर अपराधियों को समूल नष्ट करना संभव नहीं है। खुलासा के लिए नवादा से शैलेश कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट।